राजस्थान का नाम आते ही आंखों के सामने उभरने लगते हैं दूर दूर तक फैले रेतीले धोरे, आसमान में चिलचिलाती धूप, चारों ओर सूखे और कांटेदार पेड़, रेतीली आंधियां और दूर दूर तक पसरी वीरानगी। कॉमन परसेप्शन अबाउट राजस्थान इज यू नो इट इज ऑल डेजर्ट। हाउएवर द फैक्ट्स आर नॉट दैट वे। ट्रेडिशनली पीपल हियर हैव बीन क्वाइट फ्रेंडली टू द नेचर। दे न्यू हाउ टू कंजर्व वाटर, हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड लिव विद द नेचर। जी हाँ, बहुत कुछ है राजस्थान में। इस मरुधरा में मीलों दूर तक फैले हुए वन क्षेत्र भी हैं, जहां तरह तरह के जंगली जानवरों को बेखौफ विचरण करते देखा जा सकता है। हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, कल कल बहती नदियों जैसे प्राकृतिक दृश्य भी यहां देखने को मिलते हैं। सच माने तो यहां चारों ओर प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का विलक्षण संगम है। तभी तो इन प्राकृतिक हसीनियों में बिताए हर पल यहां आने वालों के लिए बन जाते हैं वो यादगार पल जो भूले ना भुलाएं। कुंभलगढ़ का एक बड़ा आकर्षण और महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ स्थित कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। उदयपुर, पाली और जोधपुर रोड पर उदयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य प्रकृति की गोद में बसा एक अनुपम स्थान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या खूब कहा है, बंदूकों से शूट करने से कई ज्यादा मुश्किल है कैमरे से शूट करना। मेरी दिली ख्वाहिश है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान बंदूकों को छोड़कर प्रकृति की इन खूबसूरत विरासत को अपने कैमरे में कैद करें। नेहरू जी की इसी नसीहत से प्रेरित होकर हम भी आ चले हैं इन जंगलों की ओर, इन्हें करीब से देखने और महसूस करने। और आप पहुंचे हैं हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो चलते हैं इस अनोखे सफर पर। अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित इस अभयारण्य का ये क्षेत्र आंशिक रूप से राजसमंद, पाली और उदयपुर तीनों जिलों में पड़ता है। 578 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ ये अभयारण्य बहुत सारे वन्य जीवों की आश्रय स्थली है। इनमें से कई जीव दुर्लभ हैं और संरक्षित श्रेणी में आते हैं। ये भालू के पक्षी हैं सर, ये फीमेल भालू है और सामरिया कुंड एनीकट से आरेट गेट की तरफ जा रहा है सर, रोड के किनारे इसके हैं। इस क्षेत्र में भालू बहुतायत में है। इसके साथ ही आम तौर पर शर्मीले स्वभाव के वन मुर्ग को भी यहां बड़े आराम से देखा जा सकता है। 2011 की वन्य जीव गणना के तहत कुंभलगढ़ में 16,000 से अधिक वन्य जीव हैं। उल्लू, पैंथर, सांभर, नील गाय, बंदर और भी न जाने कितनी प्रजातियों के जीव जंतु यहां उन्मुक्त विचरण करते देखे जा सकते हैं। यहां सांभर रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है,
जहां कभी आबादी के बीच पले बढ़े सांभरों को वन में रहने लायक बनाया जाता है और फिर उन्हें जंगल में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। इन सेंचुरीज में बाहर से एनिमल लाकर, हर्बीवोर लाकर डाल रहे हैं, लाके उसको जैसे सांभर हम दिल्ली सांभर लाके डाले, सरिस्का सांभर लाके डाले इन सेंचुरीज में, जैसे कि हर्बीवोर की पॉपुलेशन बढ़े। और पहले इस एरिया में टाइगर था तो हमारा एक्चुअल प्लान ये है कि अगर हर्बीवोर की पॉपुलेशन बढ़ा के और टाइगर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है, तो दिस इज द मेन हमारा ऑब्जेक्ट। ये इनक्लोजर जो सांभरों के लिए बनाया है, ये कुम्भलगढ़ वाइल्ड लाइफ रेंज का वन खंडाणा का वन क्षेत्र है, जो बिल्कुल छोटी वादी के सामने इनक्लोजर बना के 30 मीटर बाई 30 मीटर का चारों तरफ से इसको करके ढाई ढाई मीटर के इसके एंगल्स के करके 10 मीटर पर इसको फेंसिंग किया हुआ है, उसको ऊपर टीन सेट लगा के और चारों तरफ से घास और इससे कवर्स करके इनको किया। जब इनक्लोजर्स के अंदर गोल क्लब दिल्ली से सांभर्स लाएंगे, उनको लाते ही इनको यहाँ से ग्लूकोज का पानी देना, ब्रेड गोभी और फूल गोभी और पत्ता गोभी के पीस बना के इनको ब्रेड्स के साथ इनको देना शुरुआत किया था। वहाँ इनको ब्रेड और फ्रूट्स देते थे, इसलिए इनको चेंज नहीं हो उस आते ही। दूसरे दिन हमने फर्स्ट डे तो वही दिया, सेकंड डे हमने यहाँ लोकल वनस्पति जो यहाँ की थी, जो जंगल्स में यहाँ पाई जाती थी, जैसे गुलर, इन्होंने गुलर के फ्रूट्स को काफ़ी लाइक किया। गुलर के फ्रूट्स के बाद हमने बिलपत्र वगैरह दिए, बिलपत्र के पत्ते हैं, शैम्बल के, उस वक्त शैम्बल की फ्लावरिंग आ रही थी, शैम्बल के फूल दिए इनको, प्लास के फूल दिए, कचनार के फूल दिए, और डे बाई डे इनको यहाँ की लोकल वनस्पति जो थी वहाँ, जैसे बेर की जाड़ी को भी इन्होंने लाइक किया, कचनार के पत्तों को भी लाइक किया इन्होंने, बोनिया वेरीगेटा, बोनिया रेसिमेसा, और इनके फूल जो है लाके, फिर पत्ते अरुंज वगैरह के पत्ते, पेड़ों के पत्ते, या फ्रांगण वगैरह, इन सभी तरह के पत्ते जो यहाँ की वनस्पति में पाए जा रहे हैं वो लाके इनको डे बाई डे दिया। काफ़ी इनकी हेल्थ में भी सुधार आया, चेंज भी आया। टोटल 38 लाए थे, उसमें 32 हमने जंगल के अंदर रिलीज कर दिए, 6 अभी अवशेष हैं। इसके बाद के लिए भी हमने इनसाइड है उसमें भी हमने बाद के लिए 8 आदमी रख रखे हैं, तो 2 आदमी तो इनके लिए फल फूल वगैरह लाते हैं इनको खिलाने के लिए, और शाम को 6 व्यक्ति चारों तरफ हमने मचान्स बना रखे हैं, नाइट को उस मचान के ऊपर बैठते हैं और नीचे आग जला लेते हैं, टॉर्च वगैरह इनको दे रखी है रात को, ताकि किसी तेंदुआ वगैरह की सुरक्षा के लिए रात भर इनकी बात करते हैं। इसी तरह से इनसाइड हमने पानी की भी इनकी पूर्ण व्यवस्था करी, खाली बना रखी है, प्योज बना रखी है, इसको पानी रोज इंजन चला के इनको कर देते हैं ताकि इनको नेचर का अनुभव। इनसाइड भी हमने प्रकृति की तरह इसके थोड़ी हट वगैरह छाया के लिए, इनको धूप की सुरक्षा के लिए हट बना रखी। जो आपने छोड़े हैं बाहर छोड़े हैं, उनका कोई वाच रखते हैं? हाँ, उनका भी वाच है सर, पर डे वो जो आदमी है, हमने ट्रैकिंग के लिए आदमी देख रखा, तो जो दिखते हैं तो वो यहाँ की वनस्पति को लाइक कर रहे हैं, यहाँ का पानी वगैरह नेचुरल जो नाले में पानी है वहाँ लौट रहे हैं, यहाँ से छोड़ने के बाद भी काफ़ी स्वास्थ्य में वृद्धि हुई है। वी हैव स्टार्टेड रीस्टोरिंग कुंभलगढ़ सेंचुरी नेशनल पार्क ग्रेजुअली टू कन्वर्ट इनटू अ टाइगर रिजर्व। First, we have taken up Bokundra near Kota because that is in the direct passage line of Ranthambore. Second one is this one. Rajasthan was tiger rich, but as has happened in the entire country, there has been loss of tiger life. But having all that, with the growth of tiger population in Ranthambore, I am sure we will be able to bring Kumbhalgarh back as a tiger reserve. चुनौतियाँ बहुत हैं और क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से भी राजस्थान में जो प्लांटेशन कराया जाता है उसमें सक्सेसफुल काफ़ी होता है, सर्वाइवल परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, तो इस वजह से जो बाहरी एजेंसियां हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के, वो प्रोजेक्ट देने के लिए अपने आप से आगे आती हैं, और ये छठा प्रोजेक्ट राजस्थान को मिला है एक्सटर्नल प्रोजेक्ट, तो जिसके तहत हम काम कराएंगे। और इसमें जो मुख्य बात यह है कि ये सोसाइटी मोड पे ही काम कराया जाएगा, पहले तो दूसरे तरह से अपने विभागीय करते थे और वन सुरक्षा की समिति के माध्यम से कराते थे, तो सोसाइटी मोड में एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सोसाइटियाँ बनाई गई हैं और सेंट्रल लेवल पर PMU मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई गई है, और हर एक जो ज़िला है उसमें वन सुरक्षा समितियाँ होंगी, और एक NGO को हमने सिलेक्शन किया है, सब NGO का सिलेक्शन हो गया है, और वहाँ पे कोई भी काम लेने से पहले एक माइक्रो प्लानिंग की जाएगी,
और उसके बाद ही काम लिया जाएगा। तो ये एक तरीके से पहला साल जो है वो तो प्रिपरेटरी ईयर है, 5 साल में इसको एग्जीक्यूशन होगा इसका, इस प्रोजेक्ट का कामों का, और बाकी 2 साल इसका मेंटेनेंस होगा, मेंटेनेंस यानी एग्जिट प्रोटोकॉल टाइप का होगा। ये है टॉडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये भी कुंभलगढ़ के साथ ही जुड़ा हुआ है। सन 1983 में इस अभयारण्य को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चिन्हित कर दिया गया था। राजस्थान की बायोडायवर्सिटी की एक और मिसाल है टॉडगढ़ के ये जंगल, जो आज से कुछ दशक पहले तक बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व था। पहले ये क्षेत्र टाइगर्स के लिए विश्व प्रसिद्ध था, जिसका प्रमाण यहाँ के ऐतिहासिक काल की आरामगाह में रखी विजिटर्स बुक में देखने को मिल जाता है। इसमें 60 के दशक तक टाइगर का शिकार करने वालों का विवरण लिखा हुआ है कि कब किसने कितने टाइगर्स का शिकार किया था। हालांकि यहाँ पर आज टाइगर तो नहीं है, लेकिन इन जंगलों में दूसरे वन्य जीव, पक्षी और पेड़ पौधों की बहुत आयत है, जिसे बनाए रखने के लिए यहाँ का वन विभाग पूरी तरह से जुटा हुआ है। हम लोग हर तरह के जानवरों को यहाँ पे लाना चाहते हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं, शिकार ना हो उसके लिए हमारे लोग मुस्तैद हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो फॉरेस्ट के प्रति, जो लोग वाइल्ड लाइफ ट्रेंड हैं, वो लोग रियली कमिटेड हैं। वन विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों से यहाँ मौजूद वन्य जीवों का संरक्षण किया जा रहा है, जिसकी वजह से रावली टॉडगढ़ में 5,500 वन्य जीव विचरण करते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित टॉडगढ़ रावली अभयारण्य करीब 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इकोसिस्टम वाले इस अभयारण्य में बरसात के दिनों में घनी हरियाली हो जाती है, अन्यथा वर्ष के बाकी महीनों में ये जंगल प्रायः सूखा सा रहता है। और ये है रणकपुर। रणकपुर जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ भी कुंभलगढ़ की तरह हिरणों का रिहैबिलिटेशन सेंटर है, जो कभी आबादी में रहे हिरणों को जंगल में स्वतंत्र विचरण करने के लिए तैयार करता है। हम वही जानवर ला रहे हैं बाहर से, जो कि यहाँ पे इंडिजीनियस हैं, यहाँ पे हैं ऑलरेडी, यहाँ पे थे ऑलरेडी, तो उनके लिए यहाँ पे आना कोई नई बात नहीं है। सेम हैबिटेट है, सेम क्लाइमेट है, उनके कुछ स्पीसीज यहाँ ऑलरेडी हैं, दे विल मिक्स अप एंड इंक्रीज हो जाएगा अपने। वन विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों से यहाँ वन्य जीवों की तादाद लगातार बढ़ रही है। वन विभाग के हर अधिकारी और कर्मचारी का वन्य जीवों के प्रति लगाव का इसी से पता चलता है कि ये वन्य जीवों को पानी उपलब्ध कराने के लिए अपने पैरों से रहट चलाते हैं, ताकि उनके लिए पानी की कमी न हो। वन विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों से यहाँ आज पैंथर सहित अन्य वन्य जीवों की तादाद बढ़ गई है। जैसे ये आज आप बेड़ा में हैं, जवाई बांध के आपने खूबसूरत पहाड़ियाँ देखी हैं। यहाँ पे भी हमने अभी रिसेंटली करीब 30 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को फॉरेस्ट के अंदर लिया है पिछले करीब 6-8 महीने में, और इसे हम लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बनाना चाहते हैं।
साथ ही हम लोग यहाँ पे चिंकारा को लाना चाहते हैं, रिलोकेट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्रीड करें, हर्बी वॉज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, दरख्त लगाएं और हर्ब्स लगाएं, वो भी हम लोग काम वेजिटेशन का शुरू करेंगे। ख़ास तौर से इस एरिया में पैंथर्स बहुत होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता था कि गाँवों की वो कैटल को खा लेते थे, डोमेस्टिक कैटल को जब खाते थे ज़ाहिर है कि गांव वाले फिर उनको मारते थे, अपने मरे हुए जानवर के ऊपर पेस्टिसाइड डाल देते थे। लेकिन जब से ये इको टूरिज़्म आया है तो लोगों में टूरिज़्म को बढ़ावा देने की जो ख्वाहिश जगी है, उससे जो कोई 4 या 6 लेपर्ड हुआ करते थे, अब ये एक पहाड़ी के अंदर करीब 8 लेपर्ड्स हैं और इस पूरे एरिया के अंदर कई लेपर्ड्स देखे जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी के नाम से इस प्रोजेक्ट में 4 स्पीसीज़ को का सिलेक्शन किया गया, उनके कंजर्वेशन डेवलपमेंट प्रोपोगेशन पे बहुत इसमें ध्यान दिया गया है। पहला तो आप देखिए कि राजस्थान का जो स्टेट ट्री है खेजड़ी, खेजड़ी इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द डेजर्ट, इसका हर पार्ट वहाँ के लोग स्थानीय लोग जो इसको यूज़ करते हैं, और इसके कंजर्वेशन डेवलपमेंट के लिए इसमें कुछ अमाउंट रखा गया है, कुछ एरिया में इसमें काम कराएंगे। दूसरा रोहिडा जो मारवाड़ टिक के नाम से जाना जाता है और हमारा राज्य का वो फ्लावर है, स्टेट फ्लावर है। दूसरी 2 स्पीसीज जो हैं वो हैं फौना की, एक तो ग्रेट इंडियन बस्टर, ग्रेट इंडियन बस्टर हमारा राज्य का पक्षी है, इसकी संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उसके कंजर्वेशन डेवलपमेंट के लिए भी इसमें प्रयास किए जाएंगे, इसमें प्रोविज़न रखा हुआ है। और दूसरा चौसिंघा 490 लोग जो पहले काफ़ी सेंचुरी में दिखाई दिया करता था, वो अब दिखना काफ़ी कम हो गया है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए भी इसमें प्रोविज़न रखा गया। तो 4 स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक, पहले ऐसे ओवरऑल तो करते थे लेकिन स्पेसिफिकली किसी स्पीसीज के लिए नहीं करते थे, तो 4 स्पीसीज के इस फॉरेस्ट्री बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट फेज 2 में ये 4 चीज़ रखी गई हैं जो कि काफ़ी यूनिक चीज़ हैं। ये है सीता माता अभयारण्य। लगभग 400 वर्ग किलोमीटर में फैला ये अद्वितीय अभयारण्य राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जहां भारत की 3 पर्वतमालाएं अरावली, विंध्याचल और मालवा का पठार आपस में मिलकर ऊंचे सागवान वनों की उत्तर पश्चिमी सीमा बनाते हैं। हमारे यहां पे 850 से ज़्यादा स्पीसीज तो प्लांट्स की है जो खोजी जा चुकी है, 150 से ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट है, और भी इतने मेडिसिनल प्लांट हैं जिनको खोजा जाना अभी तक बाकी है, 30 से ज़्यादा मेमल्स हैं, 2 तरह की स्पीसीज हमारे यहाँ स्पेशली पाई जाती है, एक तो फोर हॉर्न एंटीलोप चौसिंगा और फ्लाइंग स्प्रिंग, इसके साथ साथ पैंथर, इसके अलावा इसमें जैकोल्स है, हाइना है और ग्रे जंगल फाउल है, रेड स्पर फाउल है, काफ़ी संख्या में है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ करीब 100 से ऊपर चौसिंगा है, चौसिंगा डेंस फॉरेस्ट में पाया जाता है जहाँ फ्रूट्स और पानी अवेलेबल हो अबंडेंट मात्रा में, क्योंकि ये क्या पानी का फ्रिक्वेंट विजिटर है, पानी इसको दिन में 3 बार 4 बार 5 बार पानी चाहिए इसको, और दिन में पानी और पानी के आसपास ही रहता है, और फ्रूट्स चाहिए, तो इस सेंचुरी के अंदर फ्रूट्स भी है, पानी भी है, डेंस फॉरेस्ट भी है, और ऐसा बढ़िया एनवायरनमेंट भी है कि उसके अंदर चौसी का अच्छी तरह से सफाई कर जाता है। हमारे यहाँ 250 से ज़्यादा क्वालिटी की बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती है यहाँ पर, यहाँ जो रेजिडेंट बर्ड्स है वो भी आती है, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर और ट्रीपाई है, ड्रेंगो है, सरपेंट ईगल है, वाइट आई बजर्ड है, ब्राउन फिश ऑल है, कितने तरह के जो है बर्ड्स हमारे यहाँ हैं, कुल मिला के 250 से ज़्यादा स्पीसीज के बर्ड्स माइग्रेटरी और लोकल लिस्टेड किए जा चुके हैं अभी तक। बायोडाइवर्सिटी बहुत बढ़िया है, 12 मास बहती हुई नदियाँ हैं, 5 नदियाँ, सीता माता नदी है, उसके बाद टांकिया नदी है, बूढ़ो नदी है, ये छैली नदी है, जाखम नदी है, जाखम बांध है जो 6500 MCFT का है, वो बांध पूरा 13 किलोमीटर तक उसकी जो नहर निकलती है पूरी सेंचुरी में से होकर निकलती है। दो नदियां ऐसी है जिसके अंदर जो 30-30, 40-40 मीटर दूरी पे पूरे जो है वर्ष पर्यंत पानी भरा रहता था, तो यहाँ हर 50 मीटर 100 मीटर 200 मीटर दूरी पे वाटर स्पोर्ट्स बने हुए हैं, बहती हुई नदी है और नेचुरल वाटर सोर्स भी काफ़ी है, कुछ आर्टिफिशियल भी डेवलप किए हुए हैं हमने। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में वाइल्ड लाइफ के पीने के लिए पानी की कोई कमी नहीं है।
सीता माता वन्य जीव अभयारण्य के धार्मिक महत्व को दर्शाती हैं यहाँ स्थित ये चट्टानें। कहा जाता है कि जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकले थे तो उन्होंने यहाँ आकर विश्राम किया था, इसीलिए इस स्थान को श्रावणी तालाब कहा जाता है। इसी अभयारण्य में सदियों पुराने इतिहास की साक्षी हैं यहाँ स्थित ये चट्टाने और इन पर उकेरी गई ये कलाकृतियां, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक महत्व की कहानी बयां करती हैं। More than 20 years now, the entire focus of Forest Department in Rajasthan has been working with the people to develop forest, to regenerate the forest areas where the density has fallen down, and also to develop new areas. We are also taking advantage of the traditional system of orans in Rajasthan. There has been socio-cultural belief that there is a sacred place in almost all villages of Rajasthan. So if that tradition is surviving for generations, why can't we develop and strengthen similar tradition and create people's involvement to develop forest areas wherein they learn to live with the byproduct of the forest instead of damaging the trees. जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। देवी सीता को जब भगवान श्री राम से अलग होना पड़ा, वो जो भी स्थिति आ रही होगी, उस स्थिति में देवी सीता को लक्ष्मण जी छोड़ने आए थे। लक्ष्मण जी वाल्मीकि आश्रम में छोड़ के गए थे देवी सीता को। उसके बाद में उनके दो लड़के लव और कुश यहाँ पे वाल्मीकि आश्रम में हुए, ऐसा ट्राइबल्स मानते हैं सारे। तो उसके अभी निशानात है, लवकुश बरगद का पेड़ है, वाल्मीकि आश्रम है, हनुमान मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने रासुरी यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा था, हनुमान जी उनके साथ थे, तो उस समय उस घोड़े को लव और कुश ने हनुमान जी सहित यहाँ पे बांध दिया था। तो उसके बाद में भगवान राम को पता चला भाई ये कैसे क्या है, तो उन्होंने देवी सीता ने उनके बारे में बताया। उसके बाद में राजसूरी तो यज्ञ घोड़ा छोड़ा गया, उसके बाद राजसूरी यज्ञ संपन्न हुआ। जब देवी सीता का सारे काज संपन्न हो गए, उसके बाद में देवी सीता ने धरती से प्रार्थना की कि मेरे सारे काम पूरे हो गए हैं, अब पृथ्वी माँ मेरे को अपने में स्थान दो। तो पृथ्वी के दो पार्ट हो, मतलब पृथ्वी फट गई और पृथ्वी के भूगर्भ में सीता माता को जगह मिली और उस भूगर्भ में जो है सीता माता समा गई। तो वो पहाड़ आज भी फटा हुआ है, वो पहाड़ आपस में जैसे बिल्कुल करीब 700 मीटर लंबाई है उस पहाड़ की, और जहाँ पे देवी सीता धरती में समाई थी वहाँ पे पहाड़ पिघला, ट्राइबल्स ऐसा कहते हैं कि पहाड़ पिघला हुआ, पिघले हुए पहाड़ के निशानात है। वहाँ पे एक दो कुंड है, एक पाप कुंड के नाम से जाना जाता है, एक धर्म कुंड के नाम से जाना जाता है। पाप कुंड में यह मानते हैं कि कोई भी यात्री आता है तो पाप कुंड में सबसे पहले स्नान करके अपने पाप को धोता है, उसके बाद वापस सीता माता मंदिर के नीचे जो धर्म कुंड बना हुआ है उसमें वापस स्नान करने के बाद फिर देवी सीता के दर्शन होते हैं। सैकड़ों सालों से सीता से प्रतापगढ़ के रिश्तों के संबंध में इतनी प्रबल लोक मान्यताओं के चलते ये स्वाभाविक ही था कि अभयारण्य का नामकरण सीता जी के नाम पर किया जाता। इस वन्य जीव अभयारण्य के बीच में स्थित है सीता माता का मंदिर, जहां दूर दूर से दर्शनार्थी दर्शनों के लिए आते हैं। आज भी ये प्रतापगढ़ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, जो प्रकृति प्रेमियों के बीच वनस्पतियों और पशु पक्षियों की विविधता के लिहाज से उत्तर भारत के
अनोखे अभयारण्य के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। पैंथर और फ्लाइंग स्क्विरल और चौसिंगा, इन तीनों के लिए सेंचुरी प्रसिद्ध है। फ्लाइंग स्क्विरल ओरिजिनली राजस्थान में नहीं थी, लेकिन जब भी यह संगम स्थल हुआ उस समय दक्षिण की स्पीसीज जो है मालवा के पठार के हिसाब से उत्तर अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला और मालवा का पठार, इसका संगम स्थल होने से जो है उत्तर की, दक्षिण की और पश्चिम की तीनों तरह के जो है फ्लोरा और फौना। फ्लाइंग स्क्विरल के लिए महुआ के पेड़ या दूसरे ऐसे पेड़ चाहिए जिसमें जमीन से पर्याप्त ऊंचाई पे क्वार्टर बना सके, क्वार्टर यानी घर बना सके, तो उस घर के अंदर फ्लाइंग स्क्विरल जो आराम से रह सकती है। ये क्या नॉक्टर्नल है, रात में बाहर निकलती है, दिन में ये पूरे दिन भर अपने क्वार्टर में ही रहती है, और सनसेट और सूर्योदय दोनों के बीच में जब दिन बड़ा होता है या छोटा होता है तो उसके अनुसार ये वापस क्वार्टर में चली जाती है। रात के समय बिल्कुल दिन और रात के संगम स्थल पे ये बाहर निकलती है, फिर रात भर अपना खाना वाना लेती है और सुबह वापस इसमें चली जाती है। ये इवोल्यूशनरी स्टेज के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उड़ने और चलने के बीच की स्टेज। तो जब उड़ने और चलने के बीच की स्टेज आई होगी कभी भी, तो ये इवोल्यूशनरी स्टेज के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये ऊपर से नीचे की तरफ ग्लाइड कर सकती है, उड़ नहीं सकती है, तो उड़ना नहीं बोल सकते अपन, ऊपर से नीचे की तरफ ग्लाइड कर सकती है, पर नीचे से ऊपर इसको जो है चल के जाना पड़ेगा। तो काफ़ी संख्या में हमारे यहाँ फ्लाइंग स्क्विरल है। फ्लाइंग स्क्विरल के लिए हैबिटेट बहुत बढ़िया है यहाँ पे, जो उसको खाने के लिए चाहिए सॉफ्ट टहनी, मवे की टहनी या उनको रहने के लिए जो क्वार्टर चाहिए, तो वो हैबिटेट यहाँ पे अवेलेबल है, सारी चीज़ें उसके लिए जो है फेवरेबल है, अवेलेबल है। 57 उड़न गैलरी इस साल की जो सेंसस हुई उसमें हमारे यहाँ आई है। राजस्थान की समृद्ध वन संपदा की गोद में बिताया हर पल यहाँ आने वालों के मन में कुछ ऐसी छाप छोड़ देता है कि वो यहाँ बार बार आने के लिए विवश हो जाते हैं। जो एक बार यहाँ होकर चला जाता है उसे यहाँ का आकर्षण भुलाए नहीं भूलता। यहाँ के सौंदर्य में वो ऐसा खो जाता है कि मन यही करता है कि यही इसी प्रकृति की गोद में बस जाए। तो ये था हमारा पहला कदम एक अनोखे सफर का, और इसी के साथ पूरा होता है एक्साइटमेंट और एडवेंचर से भरपूर मेरा ये सफर, जिसका अनुभव खुद यहाँ आकर इन जंगलों में ही किया जा सकता है। ये तो सिर्फ एक झलक मात्र थी हमारी अमूल्य प्राकृतिक धरोहर की। मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी हमारा ये सफर बहुत अच्छा लगा और आपको भी इसे महसूस करने की जिज्ञासा मन में जाग गई। अभी तो बहुत कुछ बाकी है समझने को, जानने को। तो चलिए देर किस बात की, और निकल पड़िए इस एक्साइटमेंट और एडवेंचर से परिपूर्ण इस सफर पर। सो गुड बाय टिल वी मीट अगेन।